यद्यपि आज देश में लगभग 1500 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन अभी भी किसान के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अगर बहुत दूर स्थित है तो कई बार समय पर वो मिट्टी परीक्षण नहीं करा पाता। इसलिए जो पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है, जिसका उद्देश्य है कि मिट्टी परीक्षण को किसान के दरवाजे तक कैसे लेके जाएं। तो किसान के दरवाजे तक ले जाने के लिए मिट्टी परीक्षण सेवा को हमने एक यंत्र विकसित किया है, जिसका नाम है पूसा एसटीएफआर मीटर। ये एसटीएफआर मीटर का मतलब है पूसा सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर। तो जैसा कि नाम से साबित होता है कि ये मिट्टी परीक्षण भी करता है, ये मशीन मिट्टी परीक्षण भी करती है और उर्वरकों की संस्तुति भी देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटी सी मशीन जो दिखाई पड़ रही है, ये अपने आप में एक प्रयोगशाला है। इस जो हम प्रयोगशाला में कई सारे यंत्रों से मिट्टी परीक्षण होता है, ये सारे यंत्रों का जो कुछ गुण है वो सारा इस एक मशीन में समाहित कर दिया गया है और ये मशीन मिट्टी के 14 गुणों का टेस्ट करती है। जब 14 गुणों का हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके आधार पर फिर ये परीक्षण उर्वरकों की संस्तुति भी देती है। तो उर्वरकों की संस्तुति भी जब मिल जाएगी, उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे कि अपने फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मशीन के साथ आप देखें तो ये मशीन होती है, एक ये शेकर है, जिससे कि जब मिट्टी का हम वो काम वो करेंगे तो मिट्टी परीक्षण के लिए जो शेकिंग करनी होती है, तो ये जो रसायन डाल के इसकी शेकिंग होती है और फिर इसका मशीन पर निरीक्षण किया जाता है। इसके साथ एक जो इसके लिए जरूरी रसायन है, रिएजेंट्स हैं, तो रिएजेंट का एक किट दिया जाता है और एक इसके लिए अन्य आवश्यक सामग्री जो है। तो इस तरह से इसके चार जो अंश हैं इस मशीन के, ये चार एक मशीन के साथ ही आते हैं। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि यह मशीन कहां मिलेगी। यह मशीन पूसा संस्थान ने कई सारी कंपनियों को काम व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल कर बनाने के लिए दे रखी है और करीब 5-6 कंपनियां देश में इस मशीन का निर्माण कर रही हैं और ये बाजार में उपलब्ध है। तो किसान भाई अकेले तो नहीं, क्योंकि एक किसी किसान के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अब आप 2 या 4 खेत में मिट्टी परीक्षण कर लेंगे फिर इस मशीन का क्या करेंगे। लेकिन गांव में एक समूह बना करके जो FPOs हैं या NGO गांव में काम करते हैं या ग्राम पंचायत स्तर पर इस मशीन को खरीदा जा सकता है और जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके बच्चे बेटियां जो 10th पास हैं या 12th पास हैं वो एक 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर के गांव में ही एक व्यवसाय मिट्टी परीक्षण का शुरू कर सकते हैं। गांव में गुणवत्तायुक्त मिट्टी परीक्षण सेवा भी उपलब्ध करा सकते हैं और साथ साथ एक उद्यम के तौर पे भी इसको अपना सकते हैं। तो एक गांव के अपने घर में ही बेरोजगार मिलेगा और क्वालिटी सॉइल टेस्टिंग सर्विस भी दे सकते हैं।